और गेम इन इंडिया कंपनी की तरफ से आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, कम से हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि हमारी जनरल मांग जो है पूरी हो, और हम अपनी इस माध्यम से डेली शेयर के माध्यम से हम आज अपनी CM महबूबा साहब जी से बात करना चाहते हैं कि भाई आप तो वोट लेने के राजनीति करते हो, आज नौजवान सड़क पर उतरा हुआ है, आप कहाँ हो? हमसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार हमारे बीच में आए और हमारी बात सुने जो है कि सैलरी का जो हमारे लेबर कमीशन के साहब थे उन्होंने बोला 7 तारीख को होगी, हमारे लोगों ने उनको मांग दी कि भाई 12 तारीख तक हो जाए, आज 16-17 भी होगी और 22 के लिए बोलते हैं। कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे भी बीवी बच्ची है, ट्यूशन फीस होती है बच्चों की, कोई नहीं सुनता है। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा कि एक बार हमारे बीच में आके हमारी बात को सुना जाए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को हम बोलते हैं अगर नौजवानों की मांगों को नहीं सुना जाए हम सड़कों पर उतरेंगे। इनकी जो सैलरी लेट है वो सिर्फ इसी वजह से लेट है क्योंकि NHI से पेमेंट नहीं हुई है VIP डेलीगेशन की वजह से, क्योंकि अभी रिसेंटली एक VIP विजिट होने वाली है रिंग रोड इनॉग्रेशन के लिए और PM साहब भी उसमें आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। थोड़ा सा पेमेंट हमारे को नहीं आया क्लाइंट से, जैसे ही पेमेंट आएगा हमने इनको ऑलरेडी कमिट कर दिया कि हम 22 तक इनको पेमेंट कर देंगे। जनरली हम इनकी पेमेंट 15-16 तक कर देते हैं, जो मतलब इस बार थोड़ी लेट हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले जैसे ही पेमेंट क्लियर होगी वैसे ही कर देंगे।